ओम साई राम। मैं साई पूजा, साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों को तहे दिल से ओम साई राम। तो हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, पीछे राशन रखा है और यहाँ से राशन उठाया जा रहा है और विशाल जी कार में रख रहे हैं राशन। और आप लोगों से एक ही अपील है, मदद करें। इस वक्त लोगों के घर में चूल्हा नहीं चल रहा है, लखनऊ में भी लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है। और मैं साई पूजा इस नेक काम में आपकी वजह से, बाबा की वजह से आगे हूँ और आप लोगों के प्यार और सहयोग की वजह से इतना मैं अरेंज कर पाई। आप लोगों के वजह से आज लोगों के घर में राशन पहुँचेगा। पता नहीं किसके घर में खाने को है, किसके बच्चे भूखे हैं, किसी के पास काम नहीं है। लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, कोरोना वायरस की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। तो मैं साईं पूजा आप लोगों से बस एक ही अपील करना चाहूँगी, इस बुरे वक्त में जाति पाति मत देखें, ऊंच नीच मत देखें, खुद को प्रोटेक्ट करें। मैं ये नहीं कहती मुझे दो, मैं कहती हूँ उठो और उठकर खुद कार्य करो। अपने घर से खाना बना के दे सकते हो, अपने घर से राशन बना के आप दे सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे दो, मैं करूँगी। आप अपने स्तर से करो, अच्छे काम करो, दया में साईं बसते हैं। तो विशाल जी यहाँ से कार तक राशन पहुँचा रहे हैं। लगभग हम लोगों ने 100 से ऊपर का अरेंजमेंट किया है, आप लोगों के सहयोग से हो पाया है और थैंक यू सो मच। और आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर, इतना गंभीर स्थिति है। लखनऊ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर 5,000-6,000 केसेस हो रहे हैं और 300 के करीब मौतें हो रही हैं। और बस बाबा के सहारे हम लोग जिंदा हैं, बाबा के नाम से हम लोग जिंदा हैं, उदी से हम लोग जिंदा है, सच्चरित्र से जिंदा हैं हम लोग। तो प्लीज़ हमारे लिए भी प्रेयर कीजिएगा, हमारे साथ बाबा हैं और आपका प्यार है और आपके प्यार और दुआओं ही मुझे बचाएंगे। तो प्लीज़ मुझे मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। और हम भी आगे वीडियो बना पाएंगे कि नहीं, वहाँ पे परमिशन मिलेगी कि नहीं, आई डोंट नो, बट हम अच्छे काम करने जा रहे हैं, मगर थोड़ी झलक दिखाने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। चलिए आप लोग भी आगे आइए, मदद कीजिए, बहुत ज़रूरत है लोगों को, बहुत ज़रूरत। खाने को नहीं है लोगों के पास, बच्चों के पास, क्योंकि काम नहीं है, सब बंद पड़ा हुआ है। सोचिए क्या हालत होगी पूरे देश की, कब आपके हाथों से किसको रोटी मिल जाए। बाबा ने आपको चुना है, प्लीज़ मदद कीजिए। ओम साई।